मॉर्निंग क्लास थ्री. टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 13. क्लास आप बुक का पेज 32 ओपन करेंगे और पार्ट 13 देखिए. क्वेश्चन लिखा हुआ कि इन अ बुक फेयर 1386 पर्सन विजिटेड ऑन मंडे. मीन्स नंबर ऑफ पर्सन विजिट ऑन मंडे, मंडे को कितने लोग बुक फेयर में विजिट किए, 1386. ऐसे ही नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को 967 पर्सन विजिट किए बुक फेयर में. एंड पर्सन विजिटेड ऑन वेंसडे, वेंसडे को 1456 पर्सन विजिट किए. एंड थर्सडे 950, फ्राइडे 1000. मीन्स अलग अलग डेज पे अलग अलग नंबर ऑफ पर्सन उस फेयर में विजिट करने के लिए गए. और बेटा आपको बताना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मेनी पर्सन विजिटेड ऑन द 5 days. उस फेयर में ये टोटल 5 days में कितने लोग विजिट करने गए. तो पर डे जितने भी लोग जा रहे हैं और टोटल आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितने लोग विजिट करने गए, इट मीन्स आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में जितने भी लोग गए उनको क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो मालूम हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड ऑन फेयर. ऐड करते हैं 6, 7 कितना हो गया बेटा, 13 और 6 कितना हो गया, 19 का क्या हो जाएगा बेटा, 9 कैरी 1 यहाँ राइट कर देंगे बेटा. अब देखिए बेटा 5 और 5 कितना हो गया, 10 और 6 16 में 8 प्लस कर देंगे तो मालूम कितना हो जाएगा, 24 और 1 कितना हो गया, 25 का यहाँ लिखेंगे 5 अगेन कैरी 1 यहाँ राइट करेंगे, कैरी 1 ना, ओ कैरी 2 होगा. वेरी गुड. मैं ये देखना चाहता था कि ऐसा तो नहीं कि फिर से आप कैरी 1, हमेशा कैरी 1 ही नहीं होता है बेटा. अगर यहाँ 20 सेव अप जाएगा तो कैरी 2 जाएगा, 30 सेव अप जाएगा तो कैरी 3 जाएगा, अकॉर्डिंग टू एडिशन होता है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो आया जैसे 25 आया तो 5 और कैरी 2 जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे, याद रहे. वेरी गुड, अच्छा काम किया वो बच्चे ने बताया मुझे. नेक्स्ट 9 और 4 क्या होगा बेटा, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 में 9 प्लस करना है, कैसे प्लस करेंगे, तो देखो 13 और 7 कितना हो गया, 20 और 9 में अभी 2 बचा है ना, कितना हो गया, 22 और 3 कितना हो गया, 25 और 2 कितना हो गया, 27 का 7. अब कैरी क्या राइट करेंगे, 2, याद रहे पिछली बार की तरह गलत नहीं कर देंगे कि कैरी 1, हमेशा कैरी 1 ही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है. तो 27 है ना, तो 7 लिखेंगे और कैरी क्या हो जाएगा, 2. 1, 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5. अब आप ये फाइंड कर लिए कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड ऑन फेयर, फेयर में कितने लोग विजिट किए, तो 5,759% टोटल इतने पर्सन क्या किए, विजिट किए हैं टोटल 5 days में. थैंक यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सिंपलीफाई. देखो बेटा सिंपलीफाई सॉल्व करने के पहले हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द रूल फॉर सिंप्लीफिकेशन. क्या रूल होता है सिंप्लीफाई का, अगर हम ये जानेंगे तभी किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे. और उसके लिए होता है क्या बेटा, बॉडमॉस, BODMAS. बॉडमॉस का रूल क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट होता है बेटा, ब्रैकेट ब्रैकेट जैसा यहाँ बना हुआ है. अब इस ब्रैकेट में भी बेटा देखिए बेटा 3 type का ब्रैकेट होता है. अभी आप और आगे जाओगे तो 3 से ज़्यादा भी होता है, बट अभी आपके स्टैंडर्ड तक 3 types का ब्रैकेट. ये जो ब्रैकेट है बेटा इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट. क्यों, क्योंकि सबसे बाहर वाला बिग है, बीच वाले को क्या बोलते हैं, कर्ली, और इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट. जब भी हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट, आफ्टर इट कर्ली ब्रैकेट,
एंड एट लास्ट बिग. ठीक, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली एंड देन बिग ब्रैकेट. ऑफ, ऑफ का मतलब होता है बेटा कि जहां जहां आपके क्वेश्चन में ऑफ लिखा होगा वहां पे आप क्या साइन लगाओगे, मल्टीप्लाई. क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई. डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन. रूल जैसे यहां लिखा वैसे ही आपको भी फॉलो करना है. पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ है तो उसकी जगह मल्टीप्लाई करेंगे, वरना आगे स्ट्रक्चर जैसे दिया हुआ है कि डिवीजन करेंगे, आफ्टर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड एट लास्ट सब्ट्रैक्शन. क्लियर. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थर्ड में एक क्वेश्चन है, उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए अब ये क्वेश्चन है, तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट. इसमें हम खोजेंगे वेयर इज स्मॉल ब्रैकेट, दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट. सॉल्व इसे करना है तो बाकी जितने भी इस मैटर हैं उनको क्या करेंगे, हम एज इट इज राइट कर देंगे. कैसे राइट करेंगे, इज इक्वल टू 298 माइनस अपनी जगह, ये कौन सा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट 63. इसको ऐसे ही क्यों राइट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है. इसलिए ये आपका करली ब्रैकेट 48 प्लस, देखिए बेटा 8 में से आप 3 माइनस करोगे तो क्या 5, यहाँ पर क्या राइट कर दिया 5, इस ब्रैकेट की जगह हमने 5 ब्रैकेट. नाउ करली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट. नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्मॉल करली ब्रैकेट, दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप. नाउ 298, जिसको हमें सॉल्व नहीं करना है उसको एज इट इज राइट कर देते हैं. बहुत सिंपल वे है बेटा, आपको देखने में कठिन लगेगा लेकिन आप देखिए कैसे पहला स्टेप किया, ये दूसरा स्टेप 63 माइनस 48 एंड 5 कितना होता है बेटा 53. इसकी जगह क्या राइट कर देंगे, इस स्टेप की जगह 53. नाउ जिस भी ब्रैकेट को आप सॉल्व करते जाएंगे वो ब्रैकेट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और उसकी जगह अब ये ब्रैकेट बचा. नेक्स्ट स्टेप में देखिए वो राइट किया, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया कि यहाँ 53 होगा तो ये ब्रैकेट क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है. अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप 298 माइनस 63 माइनस 53, ये आपका क्या है, बिग ब्रैकेट है और 63 से 53 माइनस करेंगे तो बेटा क्या जाएगा 10. नाउ दिस इज नेक्स्ट स्टेप, मीन्स 298 में से आप 10 माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा बेटा 288 एंड इट इज योर आंसर. बहुत सिंपल, फर्स्ट स्टेप स्मॉल ब्रैकेट, सेकेंड स्टेप कर्ली ब्रैकेट, थर्ड स्टेप बिग ब्रैकेट, एट लास्ट जो भी बचता है उसको आप अकॉर्डिंग टू जो भी साइन होगा सॉल्व करेंगे, दैट इज योर आंसर. क्लियर. नाउ पार्ट 6, देखिए बेटा पार्ट 6 में क्या करना है, प्रोसीजर आपको बता दिए हैं, स्टेप वैसे ही आपको फॉलो करना है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया है. क्या करना है, हम यहाँ चेक करेंगे कि स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, ये उसको क्या कर दिया बेटा अंडरलाइन. क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस स्मॉल ब्रैकेट. बाकी जितना भी होगा सब आपको क्या करना है, वैसे ही क्या करना है, राइट करते चलना है. 630 माइनस 125 प्लस, इन दोनों को प्लस कर देंगे बेटा. क्या प्लस करना है, 385 में 15 तो कितना हो गया 400. ये आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा 400. अब बेटा नेक्स्ट स्टेप आफ्टर सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट, नेक्स्ट देन वी हैव टू सॉल्व कर्ली ब्रैकेट. नेक्स्ट स्टेप आपका कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है. बाकी सारा जैसे आपको बताया कि आपको वैसे ही क्या करना है,
राइट करते चलना है 630 माइनस 400 और 125 मीन्स हो गया 525। क्या राइट कर देंगे 525। ये ब्रैकेट आपने सॉल्व कर दिया, वो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप बिग ब्रैकेट 65 प्लस 630 से 525 माइनस कर दीजिए, साइड में कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे 630 माइनस 520, माइनस करते हैं माइनस के रूल से, इसको क्या देते हैं, क्योंकि ये 10 में से 0 माइनस होगा नहीं, तो इससे बोरो ले लेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 से 5 माइनस हो जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 5, यहाँ 0 क्योंकि 2 से 2 माइनस हो गया 0, और यहाँ क्या हो गया 1। 65 प्लस 105 किसकी जगह बेटा, इस स्टेप की जगह। अब क्या करना है 65 में 105 आपको प्लस कर देना है, तो क्या हो जाएगा 100 और 65 और 5 कितना हो गया 70, यहाँ देख रहे हैं 105 और यहाँ क्या है 65, इसको यहाँ प्लस भी करके देख सकते हैं, 5 5 10 का 0 कैरी 1 और 6 और 1 7 क्या हो गया 170, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा। नाउ पार्ट 10, 10 में देखिए बेटा सेम प्रोसेस, एक आपका स्मॉल ब्रैकेट यहाँ है और एक हम सबसे पहला काम सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, बाकी जो कुछ भी एज इट इज क्या करेंगे राइट कर देंगे। 25 अपनी जगह राइट कर देंगे बेटा, प्लस 6 से 4 माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 2, यहाँ राइट कर देंगे 2, प्लस ये अपनी जगह हो गया बेटा, ये भी, और 8 और 5 कितना हो गया बेटा 13। ये जब हम 13 लिखेंगे, चूँकि इस ब्रैकेट को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है, तो ये ब्रैकेट रिड्यूस हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा 13 माइनस 9, देन आपका करली ब्रैकेट माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप आपको बताया गया बेटा करली ब्रैकेट सॉल्व करना, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 कर देंगे, प्लस अपनी जगह बेटा आपका ये करली ब्रैकेट 13 से 9 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आफ्टर 9 काउंटिंग कर लो बेटा, अगर ऐसे नहीं आता तो 10 11 12 13 कितना आ गया 4 माइनस 2। अब कौन सा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट तो आपका रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि आपने उसको सॉल्व कर दिया है, बचता है क्या आपका बिग ब्रैकेट। अगेन नेक्स्ट स्टेप आपका बिग ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, 27 प्लस 4 से 2 माइनस कर देंगे क्या जाएगा बेटा 2, और 27 में 2 प्लस कर देंगे क्या जाएगा 29, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर।